हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा। वाओ, मेट्रो का हॉर्न भी अभी बजना था। सो अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। और लेट्स बिगिन दिस व्लॉग। तो मैं अपनी स्किन के हलचल बता दूँ आपको ज़रा। ज़्यादा देखो, यहाँ पर पिम्पल हो रहे हैं। मेरी बॉडी पर कभी भी पिम्पल नहीं होते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई, एग्ज़ाम की वजह से या क्या है, किसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और डाइट भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट वाली डाइट चल रही है, जिसकी वजह से भी आई थिंक ये हो सकता है। सो अब हम अपनी डाइट भी चेंज करेंगे और साथ ही साथ आई विल अप्लाई दिस एलोवेरा ऑन माई फेस, बिकॉज इससे मुझे बहुत फ़र्क लगता है अपनी स्किन पर। सो सबसे पहले जो इसके हमारे जो काटे हैं ना, हम ये निकाल लेंगे, इसके हम ये निकालेंगे। और ये मैं कहीं से ख़रीद के नहीं लाई हूँ, मेरे पॉट में ऊपर उगाई एलोवेरा। मैं इससे ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट यूज़ करती नहीं हूँ अपने स्किन पे, सिर्फ सर्दियों में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप इसे एक हफ्ते यूज़ करेंगे ना अपनी स्किन पे, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आपकी जो स्किन है वो बहुत लाइक नेचुरली ग्लो करती है एक तो, और जो भी डार्क सर्कल्स है आई थिंक इस पर फ़र्क पड़ेगा। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं अभी, जो है थोड़े थोड़े ड्राई होने लग रहा है। इसको हम जब ड्राई होगा तो हम इसको वॉश करेंगे। या इट इज़ डन। मम्मी घर पे नहीं है और खाना वगैरह सब मुझको बनाना है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा बहुत कुकिंग वाली चीज़ें। थोड़ा बहुत ही आता है मुझे खाना बनाना, ज़्यादा भी नहीं आता। और आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तब तक ये सब्जी बन रही है, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, आटा गूंथ लेते हैं या फिर आटा लगा लेते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, सो दैट वी विल मेक राउंड राउंड चपातीस। आटा लगाने से पहले अपने बालों को एकदम टाइट तरीके से बांध लो। आटा लगाने का हैक ये है कि आपको जो आटा है उसको जितना लूज़ हो सकता है उतना लूज़ रखिए, मतलब बिल्कुल गीला नहीं करना है और ना ज़्यादा टाइट करना है, तभी आपकी रोटियाँ बहुत अच्छी बनेगी। पहले हम भोग लगाएंगे जो भी खाना बनाया है उसका। और तवा गर्म हो चुका है लगभग, और ये हमारा गया पराठा। एक और हम पराठा बनाएंगे सेम इसी तरीके से, और फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। का मन नहीं कर रहा तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें क्या ऑर्डर करना है। कोई तो कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है पिज्जा, कोई बोल रहा है बर्गर, कोई बोल रहा है बुर्गाटा चीज, कौन सी चीज है वो तो चिकन नहीं, हम चिकन नहीं खाते भाई। हाँ, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम वेजिटेरियन है तो वैसे ही ऑप्शन कम हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। हम डू यू मीन कम हो जाते हैं, ये लगी हुई है दोनों की दोनों डिसाइड करने में कि क्या ऑर्डर करना है हमें। कुछ ऑप्शन तो दो बताना। बर्गर, बर्गट, पिज्जा, पिज्जा मंगाओगे क्या? पिज्जा ही मंगा सकते हो तो क्या ही खाएंगे? तू क्या खाएगी? पिज्जा। तू? पिज्जा। हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या ऑर्डर करना चाहिए। पार्टी बिगिंस।
Hi guys, this is the next day and I am again in the kitchen because हमें कुछ क्या हमें लंच बनाना है. शाम तक आएगी मम्मी और ये जस्ट ऐसे ही मैंने व्लॉग बना दिया कि मैं एग्ज़ाम के बाद कैसे मेरा दिन बीत रहे हैं. घर में ही खाना बनाते हुए हमारे दिन बीत रहे हैं. और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी व्लॉग में ये भी ज़रूर बताइएगा, कुछ अच्छा लगा हो तो. और अगर आपको ऐसे ही व्लॉग्स चाहिए डेली घरेलू टाइप के व्लॉग तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ऐसे घरेलू व्लॉग अच्छे लगे मेरे. और बस इस व्लॉग में इतना ही, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय.